गैस, जब भी मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एयरलाइन टिकट बुकिंग और फूड ऑर्डरिंग के बारे में सोचता था कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, तब वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा लगता था ये सुनकर कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप लोग एक सेलर हैं, आपको एक डैशबोर्ड दिया गया है और आप लोग एक ई कॉमर्स स्टोर पे, जैसे कि अमेज़ॉन है, उस पर कुछ भी सेल कर सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अब ऐसे में कस्टमर को अमेज़ॉन के स्टोर से बात करनी पड़ती है। डैशबोर्ड जो होता है, जो कि हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटर्स को दिया जाता है, उनको बात करनी होती है amazon.in के जो मेन सिस्टम्स हैं उनसे। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास एयरलाइन टिकट बुकिंग का है। बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, एक का नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, इक्सिगो, एक और वाया है, और फिर पेटीएम वाले भी फ्लाइट्स करवाते हैं, और उसी के साथ साथ आपके आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग भी आ रहे हैं इस लाइन में। तो जब ऐसा होता है कि जो ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं, ये अलग अलग एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो या फिर विस्तारा या फिर गो एयर, इस तरह की एयरलाइंस से बात कर पाए, यानी कि ये इंडिविजुअल कंपनीज नंबर ऑफ सीट्स कौन सी बची हैं, कौन सी बुक हो गई हैं वो फेच कर पाएँ, या फिर अगर कोई भी टिकट बुक हो जाता है तो सिस्टम्स में अपडेट कर पाएँ, क्योंकि यार अगर यहाँ पर गो एयर की एक फ़्लाइट बुक हो चुकी है तो मुझे गो एयर वालों को बताना पड़ेगा कि मैं फ्लिपकार्ट हूँ, मैंने आपकी एक फ़्लाइट बुक कर दी है, तो आप किसी और से मत करवा बैठना उसी सीट को बुक। तो इसलिए अलग अलग सिस्टम्स को टू एंड फ्रो बात करनी पड़ती है एक दूसरे से। तो ऐसे में क्या होगा अगर मैं अमेज़ॉन हूँ और मान लो आप जो हो वो विस्तारा हो, तो क्या आप ये बोलोगे कि अमेज़ॉन ये रहा मेरा पासवर्ड मेरे सर्वर में, तुम्हें जो करना है करो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि मैं एज विस्तारा या फिर एज अमेज़ॉन दूसरी कंपनी पे डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकता। अगर यहां पर मैं अमेज़ॉन लेके बैठा हुआ हूं, जो कि मैं नहीं लेके बैठा हूं, बट मान लो मैं लेके बैठा हूं, तो मैं इंडिगो पे भरोसा नहीं करूंगा, इंडिगो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, और हम लोग एक इस तरह से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे कि यार भरोसा भी बना रहे और काम भी हो जाए। तो ये भरोसा भी बना रहे और काम भी हो जाए वाला काम हमको API करवाती है। API होती क्या है? API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड दिस API मेक्स इट पॉसिबल फॉर डिफरेंट सिस्टम्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है? तो ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, और रादर वेबसाइट्स में लिखूंगा, वो रिस्पेक्टिव एयरलाइन से बात करके टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कर सकती है कि भाई मैंने तुम्हारी ये सीट बुकवाई, यानी कि बुक करवाई, और तुमने मुझे इतना कमीशन दिया, तुम्हारी मैंने इतनी सीट्स बुकवाई, और इस तरह की जो बातें हैं कम्युनिकेशन चलता रहता है, ठीक है? तो क्या है API? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो API एक ऐसा जरिया है जो कि इन सारे सिस्टम्स को कुछ डेटा अपना एक्सपोज करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर API लिख देता हूँ कि जब भी अमेज़ॉन बात करेगा इंडिगो से, तो उसको API से बात करनी होगी, डायरेक्ट सिस्टम से बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अमेज़ॉन है वो इंडिगो से बोलेगी कि मैं तुम्हारी एक सीट बुक करवाना चाहती हूँ, मैं अमेज़ॉन हूँ, ठीक है? तो ये काम इस तरह से कर सकती है अमेज़ॉन इंडिगो को बताने के लिए कि भाई मैंने तुम्हारी सीट बुक करवाई है। मान लो इंडिगो वालों ने अपनी वेबसाइट का एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि तुम indigo.com, आई थिंक goindigo.com है इनकी, goindigo.com/makebooking/ अपनी API की ये डाल देना यहाँ पर। API की सबको अपना अपना सीक्रेट की मिली हुई है, और ये की होती है पहचानने के लिए कि क्या तुम ही अमेज़ॉन हो। ऐसा ना हो कि कहीं मैं बोल दूँ जाकर इंडिगो से कि 4 सीटें बुक कर दो और इंडिगो वाले 4 सीटें बुक कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये जो एंड पॉइंट है इसको हिट करना पड़ेगा प्रॉपर API की, और जो API है वो क्या करेगी, वो सबसे पहले बैकेंड में जाकर ये देखेगी कि क्या अमेज़ॉन ने ही ये रिक्वेस्ट भेजी है। अगर हाँ तो हम सीट बुक करके अमेज़ॉन को टिकट भेज देंगे, लेकिन अगर कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को, या फिर कुछ गलत सलत API की डाली हुई है, तब हम वहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा हमारा, ये रिक्वेस्ट आई, ये API को रिक्वेस्ट मिली, यानी कि अमेज़ॉन ने इंडिगो से कहा ये रही मेरी API की, और ये रहा इंसान का नाम जिसका टिकट बुक करना है, एक टिकट बुक कर दो दिल्ली टू बेंगलोर का, ठीक है? तो इंडिगो की जो API कहेगी रुक जाओ, आप API को कुछ ऐसा समझो कि जो इंडिगो है वो बंगला है, बंगले के अंदर बैठा हुआ मालिक है, और जो API वो चौकीदार है, वो बोलेगी रुक जाओ, मुझे बताओ कि तुम्हारा जो API की है वो क्या है, दिखाओ मुझे API की, मैच करेगी अपनी API की में, क्या हमने कोई ऐसी API की दी थी अमेज़ॉन वालों को? अगर हाँ तो कहेगी कि हाँ ठीक है आपके टिकट बुक हो सकते हैं, अगर ना तो उसको भगा देगी, बोलेगी
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, गेट आउट, ठीक है, कुछ इस तरह से बोलेगी। और अगर वो बार बार कोशिश करेगा तो उसको ब्लॉक ब्लॉक भी कर देगी, उस तरह के सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एपीआई एक इंटरफेस है, यानी कि एक जरिया है जिसकी सहायता से आप लोग एक्चुअल सिस्टम से बात कर सकते हो। अब एक्चुअल सिस्टम जो है, यानी कि जो इंडिगो के सर्वर होंगे, या फिर अगर वो बैक एंड में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सारे सर्वर्स का, क्लस्टर्स का, तो वो एक्सेस दे नहीं सकते अमेजोन को या हर किसी को जो भी उनकी वेबसाइट से बुकिंग कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो इंडिगो वाले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इक्सी को, वाया और पेटीएम सबको बोल दें मेरा पासवर्ड है, लॉग इन करके बुकिंग कर लेना। हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर लोग अपना फेसबुक का पासवर्ड नहीं देते, तो ये बिजनेसेस का पासवर्ड तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि सबको अपनी अपनी एपीआई की दी जाती है, और पता चल जाता है कि किसने क्या रिक्वेस्ट लेके कितने टिकट्स बुक किए, इनके सिस्टम्स में सब कुछ लॉग होता रहेगा। तो एपीआई का होने का फ़ायदा ये रहता है कि जो फ्लिपकार्ट है उसको, या फिर पेटीएम है उसको, वाया, इक्सी को, इन सारी जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, इसको इंडिगो को कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने क्रेडेंशियल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रा सोचो, अगर ये जो इंडिगो है ये इन सबको अपने अपने पासवर्ड बांट देता और कोई इनके सिस्टम को ख़राब करके चले जाता, तो इक्सी को कहता फ्लिपकार्ट ने किया, फ्लिपकार्ट कहता अमेज़ॉन ने किया, अमेज़ॉन कहता वाया ने किया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबको अपनी अपनी एपीआई की दे दी जाती है, और वो अपनी अपनी एपीआई की से लॉग इन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करके जो भी उनको करना है, टिकट्स बुक कराना है या फिर और भी जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हमारी जो एयरलाइंस हैं, जैसे कितनी सीट्स हैं, कितनी विंडो सीट्स बची हुई हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, कौन कौन सी सीट्स हैं जो पेड हैं और कौन सी सीट्स हैं जो फ्री है, कौन सी फ्लाइट कब कैंसिल हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग एंड पॉइंट जो है ये लोग बना देते हैं, और इनको जो भी इंफॉर्मेशन इन सबको मिलनी चाहिए, यानी कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं इनको मिलनी चाहिए, सिर्फ वही उनको प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोग इनको ये नहीं बताएंगे कि ये कितने पैसे कमा रहे हैं, या फिर ये जो है इंडिगो, विस्तारा, गोयर, ये नहीं बताएंगे कि इनके एम्प्लॉई का क्या डेटा है, क्योंकि इनके एम्प्लॉई के डेटा का क्या करना है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी को, वाया और पेटीएम को। इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनको मिल जाएगी, और इनको इसके लिए, इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी अलॉन्ग विद एपीआई की। तो ये अपनी एपीआई की से रिक्वेस्ट भेजेंगे और इनको जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। तो जब भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम को इंडिगो से बात करने की ज़रूरत पड़ी, रास्ते में आ गई एपीआई, एपीआई ने कहा मुझसे बात करो, उनसे बात मत करो, मालिक आराम कर रहे हैं, मुझसे बात करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सारा ऑथेंटिकेट किया, अगर वो सही इंसान है तो उसका काम कर दिया, वरना उसको दरवाज़ा दिखा दिया, ठीक है। सो इस तरह से एपीआई काम करती है। अब फूड ऑर्डरिंग और ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स, इन सब में इसी तरह की एपीआईज होती हैं। एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो एपीआई होती है ज़रूरी नहीं है उसमें हमेशा एपीआई की हो ही हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ एपीआईज फ्री भी होती है। अगर मान लो मुझे कुछ डेटा एक्सपोज करना है पब्लिक को, मेरे पास फास्ट इनफ सर्वर्स हैं, तो मैं डेटा बिना एपीआई की के भी लोगों को दे सकता हूँ। मैं कहूँगा यार इस वेबसाइट पे गेट रिक्वेस्ट मारो और डेटा लेकर जाओ, ठीक है। तो इस तरह से भी एपीआई लोग एक्सपोज करते हैं, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एपीआई डेटा होता है वो एपीआई की के सहारे मिलता है, यानी कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको डेटा मिलता है। अब यहाँ पर एक बड़ा देसी सा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे देसी सा एग्जाम्पल, आप लोग मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है, और मान लो मैं वहाँ का मालिक हूँ, मान लो यार मानने में क्या जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को स्वादिष्ट पालक पनीर खिलाता हूँ, और आप लोग यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ काउंटर में, ठीक है, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मान लो यहाँ पर जो है खाना बनता है, यहाँ पर हमारे शेफ्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा वेटर है, ठीक है। तो जो वेटर है वो आपसे पूछेगा कि साहब आप क्या खाना खाना चाहते हैं, तो ये वेटर आपसे पूछेगा, आप डायरेक्टली आके किचन में घुस के थोड़ा ना बताओगे कि भाई मुझे पालक पनीर खाना है, या मेरे ऑफिस में उसके थोड़ा ना बताओगे मेरे को कि भाई मुझे पालक पनीर खाना है, ऐसा तो आप खुद नहीं करोगे। तो इसको आप एपीआई समझ लो, इस वेटर को एपीआई समझ लो, ये वेटर एपीआई है। आप इसके पास पहले जाते हो, कहते हो मुझे एक पालक पनीर ला दे, एक रोटी ला दे, एक पनीर मसाला ला दे, जो भी आपको खाना है, एक वेज चाउमीन ला दे, एक ऑमलेट ला दे, जो खाना यार आप इसको बताते हो, ये नोट करता जाता है, कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, फिर ये जाएगा अंदर किचन में, कभी कभी आता है ना वापस, कहता है सर पालक पनीर अवेलेबल नहीं है, सॉरी। तो इसी तरह से एपीआई भी रिस्पॉन्स रिटर्न करती है, आप रिक्वेस्ट देते हो एपीआई को, कभी कभी एपीआई आपको मना भी कर सकती है, कह सकती है कि यार आपको दिन में सिर्फ 40 बार मुझे हिट करना था, आप 41वें बार हिट कर रहे हो, इसलिए आपको डेटा नहीं मिलेगा। इस तरह के रिस्पॉन्सेज भी आते हैं कभी कभी एपीआई से। तो जो एक्चुअल सिस्टम है वो कौन है, एक्चुअल सिस्टम हमारा यहाँ पर शेफ है जो कि खाना बना रहा है, और एपीआई कौन है, एपीआई ये वेटर है जो कि ले रही है आप लोगों से रिक्वेस्ट, कह रही है आपको क्या चाहिए, लिख लिया उसने, नोट डाउन कर लिया ऑर्डर, अब वो जाती है
अंदर और बताती है किसको, वो जाकर बताती है हमारे शेफ को, और अगर खाना उपलब्ध है तो हमारे शेफ साहब आपको बता देंगे खाना उपलब्ध है, बन रहा है। तो कभी कभी आप लोग वेटर से ये भी रिक्वेस्ट भेज देते हो, कहते हो भाई खाना बना नहीं, वेटर कहते हैं बन रहा है साहब थोड़ा सा वेट करिए, तो ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स ही है। तो आप API से इंटरेक्ट करते हो और उसको रिक्वेस्ट देते हो और वो रिस्पॉन्स देती है आप लोगों को। तो अगर मैं अपनी इस बात को समराइज करूँ तो मैं बोलूँगा कि API का यूज़ होता है इसलिए ताकि एक्चुअल सिस्टम का एक्सेस सामने वाले को ना दिया जा सके। एक API हम लोगों ने बना दी और जिस जिसको हमारे सिस्टम का कुछ डेटा चाहिए हम उनको वो API एक्सपोज कर देंगे, उनको एंड पॉइंट दे देंगे विद प्रॉपर API की, और इस API की सहायता से हम मॉनिटर भी करेंगे किसने कितना डेटा हमारे सर्वर में से एक्सेस किया है। APIs की इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, तो API के डॉक्स होते हैं जिसके अंदर लिखा होता है सारी इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू यूज और रूल्स कि आप कितनी बार API को हिट कर सकते हो, आप कितनी बार API से डेटा निकाल कर और रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप API में से क्या क्या डेटा ले सकते हो, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक एग्जांपल अगर मैं API का लूँ तो न्यूज़ API है जो कि मैंने आप लोगों को शायद JavaScript कोर्स में करवाई थी, उसमें हम लोगों ने एक ऐप बनाई थी जो कि एक वेबसाइट पर सारी की सारी न्यूज़ खींच कर लाती है एक न्यूज़ API की सहायता से, वहाँ पर API की भी थी। अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ये सब लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप लोगों को अपने पूरे सर्वर का डेटाबेस का एक्सेस दे दें क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड दिस, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी वहाँ पर तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए वो आप लोगों को API देते हैं, कहते हैं अच्छा आप लोगों को ये चीज़ चाहिए तो आप लोग इस चीज़ की API ले लो, और उसके बाद आप लोगों को अगर और डेटा चाहिए तो आप दूसरी रिक्वेस्ट भेज लेना। तो इस तरह से मॉनिटरिंग के लिए और उसी के साथ साथ डेटा को सेफली हैंडल करने के लिए APIs का इस्तेमाल होता है। इससे ये भी पता चलता है कौन कितना डेटा इस्तेमाल कर रहा है और इससे जो आपकी मॉनिटरिंग है यानी कि एक्चुअल सिस्टम जो है वो कितना यूज़ हो रहा है किसके द्वारा, ये सब भी बहुत अच्छी तरह से होता है। आई होप कि आप लोग API को समझ गए हैं, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग APIs को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को मैंने बहुत सारी APIs का यूज़ करना सिखाया हुआ है, जैसे कि हमारी न्यूज़ API, वेदर API होती है, तो इस तरह की APIs को आप लोग एक्सेस करना सीखें। मैंने अपना वेब डेवलपमेंट का जावास्क्रिप्ट का कोर्स डाल रखा है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद बोलूँगा आप जाएं, अगर आप लोग वेब डेवलपर हैं तो जाकर मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स चेकआउट करें, जावास्क्रिप्ट का कोर्स चेकआउट करें, वहाँ पर हमने बहुत सारी APIs को देखा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।